उत्तर का माहौल अनुरोधी माहौल बयान करने आया है। हर व्यक्ति जानता है कि ओबीसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। बाकी विरोधी दलों से अलग अखिलेश यादव को इस बार योगी विरोध की सियासत में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को योगी सरकार की खामियां और नाकामियां गिना रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जिन्ना के रास्ते बात हिंदू मुसलमान पर आ ही जाती है। आलोचना करने वालों को कुछ भी लगे, लेकिन अखिलेश जो कर रहे हैं उनके पास उसकी बड़ी और वाजिब वजह है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस साझेदारी में दोनों को यादव वोटों का 80%, मुसलमान वोटों का 70% और अगड़े वोटों का 16% हासिल हुआ था। लेकिन तब से अब तक बात बदल चुकी है। अखिलेश और राहुल की यूपी के लड़कों वाली जोड़ी टूट चुकी है। कांग्रेस के लिए प्रियंका इस बार पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो ओवैसी भी पूरे दम से यूपी में तंबू ताने हुए हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो करीब 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ओवैसी मुसलमानों की इसी ताकत को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं। तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत ना तुम्हारी जान की कीमत से गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास। जाहिर है असली लड़ाई अपने कोर वोट बैंक को लेकर है। दूसरे के वोट बैंक में जितनी सेंध लग जाए उतना अच्छा, लेकिन अगर अपना वोट बैंक छिटक गया तो समझो जमीन खिसक गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फलां का पीटी है। मैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। मुसलमान वोटों के लिए छिड़े इस संग्राम में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, उल्टे हिंदुत्व के नाम पर उसे वोट बैंक बढ़ाने की उम्मीद दिख रही है। लिहाजा बीजेपी दिग्गज पूरी ताकत से चोट मार रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा ये भी है कि ओवैसी की बढ़ती ताकत सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश को ही पहुंचाएगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।